Hello guys, welcome back to the Home Academy. This is a part 2 of the economics lecture. So please refer the part 1 of the economics. And in this part, we will discuss the topic national income. The topic is very important because I often see the question from this section in SSC examination, SSB examination, and as well as UPSC examination. So if you like our videos, do share with your friends and subscribe our channel. I, in my videos, discuss the summary from the NCERT books as well as state board books. So let me start first from the national income. So national income kya hota hai? Ek committee bani hai jise hum bolte hai national income committee. 1949 में एक कमेटी बनी थी नेशनल इनकम कमेटी. तो वो डिफाइन करती है नेशनल इनकम को. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. तो क्या है, एक डेफिनेशन तो लिख ली है बट इसका जो मीनिंग समझना है कि नेशनल इनकम क्या चीज एस्टिमेट करती है, क्या चीज मेजर करती है. वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज, ये कमोडिटीज जो है ये क्या चीज है. एंड सर्विसेज, देखिए कमोडिटीज में सब कुछ आता है. छोटी से छोटा प्रोडक्ट है वहां से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट तक कमोडिटीज आता है. जो सर्विसेज है इकोनॉमिक्स उसे भी कमोडिटी ही मानती है, उसे भी गुड्स मानती है. ठीक है, तो जैसे सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि आप कोई मैकेनिक से सर्विस ले रहे हो, कोई और किस्म की सर्विस ले रहे हो, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो हमारे नेशनल इनकम में आती है. यानी कि जहाँ जो हम उनसे नेट जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से हम टैक्सेस निकालते हैं, सब्सिडीज जो है उसमें ऐड करते हैं, वो हमारी नेशनल इनकम बनती है. तो यहाँ पर जो हमने पढ़ना है टॉपिक, हमने इसमें जीडीपी के बारे में पढ़ना है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है. एनडीपी के बारे में पढ़ना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है. जीएनपी के बारे में पढ़ना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एनएनपी के बारे में, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो नेशनल इनकम है और नेशनल वेल्थ जो होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सॉरी, जो नेशनल वेल्थ होती है वो मेजर करती है स्टॉक ऑफ कमोडिटीज हेल्ड बाय नेशनल ऑफ ए कमोडिटीज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. यानी जो भी हम नेशनल है उनके पास कितना स्टॉक है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का जो है, किसी भी गिवन टाइम में जो कितना उनके पास स्टॉक है. ठीक है, वो होता है हमारा नेशनल वेल्थ. अब जो नेशनल इनकम है वो इसी नेशनल वेल्थ को कंजप्शन में कन्वर्ट समझ लो करती है. क्या होती है, मेजर क्या करता है, प्रोडक्टिव पावर ऑफ एन इकोनॉमी. नेशनल इनकम अगर आपको कहीं मल्टीपल चॉइस में आ जाए, नेशनल वेल्थ का काम क्या है, इट मेजर द स्टॉक ऑफ कमोडिटीज. नेशनल इनकम के बारे में आ जाए, इट मेजर्स द पावर ऑफ इकोनॉमी. मेजर करती है किस चीज को, मेजर करती है पावर को, किसकी पावर को, इकोनॉमी के, इन अ गिवन पीरियड, किसी भी गिवन पीरियड में, टू कन्वर्ट द नेशनल वेल्थ इनटू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजप्शन. यानी के जो नेशनल वेल्थ है हमारी उनको गुड्स में, उनको सर्विसेज में, यानी कि उनको कमोडिटीज में कन्वर्ट करती है फॉर फाइनल कंजप्शन. तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये था नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ का थोड़ा बहुत डिफरेंस, एक आइडिया से आपको मिल गया होगा. अब हम मूव करते अपने जो मेन टॉपिक है, यानी कि नेशनल इनकम. तो जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम का, जो कंसेप्ट है इसमें हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी. जीडीपी तो आपने सुना ही होगा, जीडीपी रेट इतना, जीडीपी गिर गया, जीडीपी बढ़ गया, ऑपोजिशन का शोर या गवर्नमेंट का. तो क्या होता है जीडीपी, जीडीपी के नाम से आपको पता था जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक एंड पी से प्रोडक्ट. तो डोमेस्टिक वर्ड जो है डोमेस्टिक, इस पे आप फोकस कीजिए. ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख दी यहां पर, इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड और द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन.
अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है जीडीपी। इट इज अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। सपोज ये कंट्री का नक्शा है, ठीक है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा मैंने बनाने है, उस पर फोकस ना कीजिए। क्या होता है, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, इधर प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पर डोमेस्टिक यानी कि ज्योग्राफिकल डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी गुड्स तैयार हो रही है, जो भी उनसे उनकी जो मनी वैल्यू है, उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है यानी कि मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है, जो भी पैसा यहाँ से आ रहा है वो हमारा होता है जीडीपी में। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं। जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में मनी आ रहा है वहां से फाइनल गुड्स और सर्विसेज से, वो होता है जीडीपी में। अब यहां पर जो जीडीपी है, इट आल्सो इंक्लूड द मनी वैल्यू ऑफ डेट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरनर्स लिविंग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब बहुत सी फॉरेन कंपनीज है जो कि इंडिया में चल रही है, यानी कि यहां पर एक कोई फॉरेन कंट्री है, यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, यहां पर उनका कोई सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। तो अब ये जो कंपनीज है इनसे जो पैसा आता है, इनसे जो मनी आता है वो भी हमारे जीडीपी में आता है, ठीक है, जीडीपी में ही वो ऐड होता है। जीडीपी का मीनिंग ही क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में पैसा, जो भी फाइनल गुड्स है, कमोडिटीज है, कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो वो मॉनिटरी वैल्यू दे रहे हैं वो जीडीपी में आता है, ठीक है। अब जो भी फॉरेनर्स है इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं वो भी हमारे जीडीपी में ही है, ठीक है। बट ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं और वो इंडिया से बाहर जाकर, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यूएसए में जॉब कर रहा है, दुबई में जॉब कर रहा है, उनका जो मनी है वो आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया है, तो वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते। अगर जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते तो वो किस में इंक्लूड होते हैं, चलो अब हम ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीएनपी, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी हाँ, यहां पर हमें क्या नेशनलिज्म चेक करना है। ऐसे जो भी हमारे जिनके पास नेशनलिटी है इंडिया की, जिनके पास कंट्री की अपनी नेशनलिटी है, वो जो भी कमा रहे हैं, उनकी जो भी इनकम है, उनका जो भी बिजनेस है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी उनका ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यू जो है, ये वो इंक्लूड करता है। अब चाहे जो यहाँ से दुबई गया है वह कमाने के लिए, वो जो पैसा कमा रहा है वो आखिरकार भेजेगा कहाँ, अपने घर में ही भेजेगा ना, अपनी फैमिली को भेजेगा, वो कहाँ खर्च होगा, इंडिया में, तो वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए फार्मूलेज भी होते हैं, उन फार्मूलों को भी आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो जीडीपी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फार्मूले आते हैं एग्जाम में, जीडीपी है, जीडीपी पे हमने एक्स ऐड किया। एक्स क्या है, ऐसे इंडियंस जो इंडिया से बाहर जाके, अपनी कंट्री से बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या उनका कोई बिजनेस चल रहा है वह यहाँ से, ठीक है, फॉरेन में, तो वो पैसा माइनस एम, एम क्या है, फॉरेनर जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनका पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर नेशनल वर्ड है, यानी कि जो नेशनल, जो यहाँ के नेशनल्स हैं, सिर्फ उन्हीं की इनकम यहाँ पर ऐड हो रही है। तो ये होता है जी एन पी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने पढ़ा ग्रॉस, जी से ग्रॉस, यहां पर भी ग्रॉस। अब एक चीज होती है नेट, पहले तो ग्रॉस है, सॉरी यहां पर लिख देता हूं ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब कंप्लीट, फिर नेट है, ठीक है। अभी जैसे कि आपका सपोज एग्जाम आपने क्लियर किया तो आपका जॉब लगेगा, आपको सैलरी मिलेगी, आपको तो ये चीजें कैलकुलेट करना आनी चाहिए, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। तो नेट क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलेगी वो नेट सैलरी मिलेगी। तो इसमें से जो होता है जीडीपी है चाहे जीएनपी है, इसमें से माइनस करना होता है डिप्रिसिएशन।
ग्रॉस में से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन तो नेट मिलता है, चाहे जीडीपी की बात की जाए जीएनपी की बात की जाए। तो ये डिप्रिसिएशन क्या चीज है देखते हम। देखिए डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या चीज है, देखिए सपोज मेरे पास ये पेन है, ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने आज से 3 दिन पहले खरीदा और आज जो है ये फिक्का चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें वियर एंड टियर हो गया इसका, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है डिप्रिसिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बाइक लेते हैं, बाइक जैसे आपने ली आज से 4 साल बाद वो बाइक वैसी नहीं होगी, उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट हो जाएगी। तो ये जो है कंसेप्ट है डिप्रिसिएशन का, यानी कि जो एनडीपी है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन तो हमें मिलेगा एनडीपी। सिमिलर केस है एनएनपी के साथ, एनएनपी क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन हमें मिलती है नेट वैल्यू। तो कुछ फार्मूलेज है जो कि आपको ये याद होने चाहिए, और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, वो होते हैं नेशनल इनकम। फार्मूले की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो, किसी थ्योरी क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हो, बस अपने माइंड में ये फार्मूला बिठा लीजिए। नेशनल इनकम का फार्मूला क्या होता है, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जीडीपी हमने देख लिया, एनडीपी हमने देख लिया, जीएनपी हमने देख लिया। तो जी अगर आप नोट करना चाहते हो डेफिनेशन तो मैं लिखा लेता हूं अपनी नोटबुक पे, ये नोट कीजिए क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ डेट आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री। किस कौन प्रोड्यूस करता है, नेशनल किसी भी कंट्री के, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम जनरली या ईयर, ज्यादातर हम साल का कैलकुलेट करते हैं। एज वी इंक्लूड ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी, वी इंक्लूड द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल आउटसाइड द कंट्री इन कैलकुलेटिंग द जीएनपी। तो अब हम बात करेंगे जो नेशनल इनकम है वो दो वैल्यू से कैलकुलेट की जाती है, सॉरी दो वे से कैलकुलेट की जाती है, यानी कि एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, मार्केट प्राइस पे, और की जाती है फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2014 से 2015 तक जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, ठीक है, वो 7.4 था और 7.5 दो वैल्यू थी, यानी कि जो मार्केट प्राइस की थी वो 7.4 थी और जो फैक्टर कॉस्ट को लेके कैलकुलेट किया गया था वो 7.5 थी, ठीक है, 7.5 थी। तो इस तरीके से हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम के लिए ये बात, ये पॉइंट को नोट कीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज एक्सप्लेन्ड अबो, जो अभी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की, ऑन मार्केट प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड विच इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है एनएनपी, इनको दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से। हाँ, जब एनएनपी को हम इन कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट से, तब उसे बोला जाता है जीडीपी। क्या बोला जाता है, जीडीपी। जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है कुछ सेक्टर्स को देख के कैलकुलेट की जाती है, प्राइमरी सेक्टर होता है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टेरिशरी सेक्टर होता है, तो इनको देख के जो जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन की जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर।
तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं? इट इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए, उसमें माइनिंग आता है, क्वेरिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, गैस एंड वाटर सप्लाई आता है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी आता है. टेरिशरी सेक्टर में हमारे पास आता है ट्रेड आता है, होटल्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, जो ये चीज़ें हैं वो टेरिशरी सेक्टर में आती है. तो इन सारों का डाटा कैलकुलेट किया जाता है और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, और फिर जीडीपी का रेट निकाला जाता है, जीडीपी का ग्रोथ रेट निकाला जाता है एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे. तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री सी देखी जाए इसकी. तो इसमें आपको ये देखना है, नो स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा. तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में ज़्यादातर कोई स्पेसिफिक अटेम्प्ट नहीं उठाया गया था जिससे कि कैलकुलेट की जाए नेशनल इनकम. तो पहली बार जो स्टेप उठाया गया था 1868 में उठाया गया था, तो किसने उठाया था? दादा भाई नौरोजी. इम्पॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए. तो पहला स्टेप कौन उठाया था? दादा भाई नौरोजी इन 1868. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था कि इंडिया की पर कैपिटा एनुअल इनकम है एट अ लेवल ऑफ ₹20. ठीक है, फिर दूसरे इकोनॉमिस्ट आई 1911 में आया फिंडले एंड शिराज. उन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया कि पर कैपिटा जो इनकम है इंडिया की वो 49 है रुपीस. वैडिया एंड जोशी आए 1913 से 1940 तक, उन्होंने कहा 44.30 है. और फिर डॉक्टर वी के आर वी रॉय आए 1925 से 29 तक, जिन्होंने कहा 76 पर कैपिटा इनकम है इंडिया की. तो फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने अपॉइंट की एक नेशनल इनकम कमेटी. नेशनल इनकम कमेटी उन्होंने इन अगस्त 1949 में अगस्त में अपॉइंट की नेशनल इनकम कमेटी का अपॉइंटमेंट किया. ठीक है, तो कब बनी है और उनके चेयरमैन कौन थे, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए. उनके चेयरमैन थे प्रोफेसर पीसी महलोनो बिस. ठीक है, स्पेलिंग MAHALANOBIS, महालो नोबिस जो थे, प्रोफेसर पीसी महालो नोबिस, वो उनके चेयरमैन थे. किसके चेयरमैन थे? नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन थे. ठीक है, ये जो कमेटी थी, इन्होंने अपनी जो पहली रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी 1951 में, और जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1954 में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट टोटल नेशनल इनकम of the country were estimated at a level of ₹246.90 per capita. ठीक है, इनकी कमेटी के हिसाब से ये जो थी नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई. फिर उसके अलावा और भी कुछ कमेटीज बनी थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फॉर फर्दर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम. द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सियाजो, CSO, यानी कि गवर्नमेंट ने एक बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट हर साल देती है जिसे बोलते हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. ये एक रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स. इस रिपोर्ट को हम कहते हैं
वाइट पेपर, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत, वाइट पेपर, ठीक है। तो ये जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है इसे कहते हैं वाइट पेपर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे ब्लॉग पर रेगुलरली विजिट करें homeacademyblog.blogspot.com। थैंक्स।